युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हमारे सारे पुलिस के और ट्रैफिक के जवान और सारे जो नागरिक यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये रैली एक अवसर होगा हम सभी के लिए जो जुड़े हुए हैं इस सुरक्षा माह से, और कि हम इस संदेश को युवाओं तक पहुँचाएँ कि युवा अधिक से अधिक हेलमेट का उपयोग करें, ताकि कोई भी स्थिति अगर किसी के साथ होती है तो सिर पे लगने वाली चोट एक बड़ा कारण होती है अप्रिय घटनाओं के लिए, तो हेलमेट अगर आदमी उपयोग। और जिले के माननीय पुलिस अधीक्षक माननीय प्रशांत अग्रवाल सर, दोनों ही महानुभाव इस हरी झंडी को दिखाते हुए यह रथ रवाना होता हुआ जो पूरे माह भर कार्यक्रम होंगे उनका आगाज करता हुआ मंच के सामने बढ़ता हुआ। और अब माइकल संस्कृति तमाम महानुभावों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का ये उद्घाटन अवसर अर्थात और उद्घाटन समारोह के हमारे आज के गरिमा समारोह के मुख्य अतिथि बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक माननीय श्री रतन। हेलमेट पहनने की वजह से जो राइडर है उसकी जान बची है, तो हम सभी से चाहेंगे कि आप बाइक चलाते समय या पीछे बैठते समय दोनों में आप हेलमेट का उपयोग करें और सड़क दुर्घटनाओं में जो परिस्थितियां बनती हैं वो ना बने। और आप अपने परिवारजनों को भी प्रेरित करें कि जब भी वो बाइक से निकले, सिटी में निकले, सिटी वीडियो बनाया करें, तो वो हेलमेट का उपयोग करें। आप सभी को शुभकामनाएं वीडियो, वीडियो और ये पूरा माह हम आपके सहयोग से वीडियो से आप सबको आसानी से वो बन जाता है फोटो। रैली जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी, बड़ी संख्या में यातायात पुलिस बल, जिला पुलिस बल के जवान और अधिकारी इस रैली का नेतृत्व करते हुए माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हरी झंडी दिखाई है। ये शहर का पूरा एक चक्कर लगाएगी, जन जागरूकता का संदेश देते हुए हेलमेट की अनिवार्यता को करते हुए सड़क पर होने वाली जितनी भी दुर्घटनाएँ हैं उसको देखा जाता है कि जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं वो ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हेलमेट की अनिवार्यता को देखते हुए इस रैली का आयोजन किया गया। हेलमेट पहने, हेलमेट अनिवार्य घोषित कर दिया गया है और पूरे शहर का चक्कर लगाएगी। विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, स्वयं सेवक